क्वेश्चन सीखे थे उनके बारे में तो 2018 में फेमस नंतर मैं मराठी का पूरा हुआ था। 2002 मध्ये इंडियन बोर्ड ऑफ हेल्थ आता ये न्यू दिल्ली कला मान्य प्रधानमंत्री मंत्री साहब को त्याच्या चेयरमैन होते, उन्होंने कहा का निर्णय घेतली तो ये सभी प्रोटेक्टेड एरिया रहते हैं, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहते हैं। जैसे 10 किलोमीटर का तो एक ट्रांसिशन जोन डिक्लेयर कर करेंगे ऐसा तो उन्होंने ये निर्णय लिए थे। मतलब हाई प्रोटेक्शन एरिया और सेंचुरी नेशनल पार्क में कंप्लीट प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोटेक्शन रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, बट उसका बाहर का तो इतना कुछ रेगुलेशन नहीं रहते हैं। उसका बीच में एक ट्रांसिशन जोन डिक्लेयर करेंगे, उसका ऑलमोस्ट एरिया रहेगा वो प्रोटेक्टेड एरिया का बाउंड्री से 10 किलोमीटर रहेगा ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। नंतर का जगह कुछ स्टेट ने तो कुछ ऑब्जेक्शन डाला, बिकॉज हर जगह से तो 10 किलोमीटर तो संभव नहीं हो सकते। बिकॉज सबको मालूम है मुंबई हमारे साथ एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क है तो या सिटी में है तो उधर तो 10 किलोमीटर बहुत मुश्किल है एंड ऐसा बहुत सारा स्टेट का ऑब्जेक्शन था। देन 2005 मध्ये फिर से नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ तो उन्होंने सभी गवर्नमेंट का तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। देन उन्होंने क्या किया, देन इट शुड नॉट बी 10 किलोमीटर, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, शुड बी साइज स्पेसिफिक होना चाहिए एंड वो हमारा उधर का ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड, इट शुड बी रेगुलेटेड। वो ऑब्जेक्टिव से उन्होंने फिर से सभी स्टेट को डायरेक्शन दिया, हम लोग इकोसेंसिटी जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। नंदर तो कुछ उसका डायरेक्शन से सभी स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे दिया, बट कुछ स्टेट पालन किया टाइम में तो बाद में क्या हो गया, कुछ स्टेट का उन्होंने कंप्लेंस किया तुरंत बाद में कुछ स्टेट ने, सो प्रॉपर गाइडलाइंस दी हमको, सो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए ऐसा उन्होंने पूछा। देन 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इशू किया कैसा इकोसेंसिटी जोन होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देन उसका अनुसार तो फिर भी तो बहुत सारा डिले हो गया, देन सुप्रीम कोर्ट ने 100% उन्होंने तो एक डायरेक्शन दे दिया, सपोज आप तुरंत नोटिफाई किया तो अच्छा रहेगा, सपोज आप नोटिफाई किया तो बाई डिफॉल्ट उसको नोटिफाई होने तक 10 किलोमीटर इकोसेंसिटी जोन रहेगा। सो कुछ भी उस टाइम में कुछ भी कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रहते हो, कुछ भी एक्टिविटीज रहते हैं उस टाइम में, सो हर परमिशन के लिए तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना पड़ता था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का स्टैंडिंग कमेटी का जरूरत पड़ता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल एनवायरमेंटल क्लियरेंस का कोई प्रोजेक्ट का जरूरत पड़ता था, फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का जरूरत पड़ता था, उसका परमिशन लेने। इसका सेम बेसिस में एनीवे बिहार को हम लोगों ने इसका डिक्लेयर करने का जरूरत था। ये भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो प्रोसेस तो बहुत साल से भी चालू था, 2015 से भी चालू था। देन हम लोगों ने प्रपोजल सबमिट किया, देन प्रपोजल सबमिट करने के बाद 2 जुलाई 2019 में उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया था। देन उसका बाद पब्लिश करने के बाद उन्होंने सजेशन मांगा था, पब्लिक कमेंट मांगा था, कुछ क्या क्या सजेशन थे। देन 38 एक्सपर्ट कमेटी का सामने वो 2020 में हो गया था, उसके सामने प्रेजेंटेशन हो गया था, उनका कुछ कंपेंस करने के लिए बोला था, वो भी कंपेंस किया। फाइनली अगस्त 5, 2020 में फाइनल नोटिफिकेशन था। तो ये थोड़ा लीगल बैकग्राउंड था एक बीमा सेक्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सो स्पेशली ये हमारा सेंचुरी है भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका एरिया है 130.78 स्क्वायर किलोमीटर है, ये 3 जिला में कवर होते हैं, ज़्यादा पुणे में ज़्यादा एरिया है एंड दूसरा है ठाणे में एंड कुछ पोर्शन रायगढ़ जिला में। एंड अभी इकोसेंसिटिव जोन हो गया था वो भी 3 जिला में कवर होता है। स्पेशली ये इकोसेंसिटिव जोन में उसका पूरा एरिया है 101.61 स्क्वायर किलोमीटर, ये 3 जिला में है एंड उसमें मैं बताना चाहता हूँ ऑलमोस्ट 91.8% क्षेत्र वन क्षेत्र है और बाकी केवल 8.2%
क्षेत्र काशी वहीवाटी वहीवाटीचा आहे आणि ये नोटिफिकेशन मध्ये या नोटिफिकेशन मध्ये तो अभयारण्याचा पर्यावरण समावेशी क्षेत्रामध्ये समावेश 42 गाव आहे, परंतु ये सभी गाँव उसमें समावेश नहीं, ओनली पर्टिकुलर गट नंबर है वो समावेश है। ये स्पेशली लोग में क्या है, हमारा 42 गाँव वो समावेश है, तो सभी हमारा तरफ है, तो ऐसा रॉन्ग नोशन है। बट नोटिफिकेशन स्पेसिफिक है कौन सा सर्वे नंबर इको सेंसिटिव जोन में समावेश है। स्पेशली ये तीनों जिला में आमच्या पुणे जिल्हा मध्ये 3 तालुक समावेश आहेत, व जुन्नर मध्ये 5 गाव आहे, आंबेगाव मध्ये 8 गाव आहे, केड मध्ये 3 गाव आहे। मी थोडा डिटेल्स सांगतो, तो पंगुळ गावात जुन्नर तालुका म्हणजे पंगुळ गावात आंबोली भिवाडे बुद्रुक आत्मीस अँड भिवाडे बुद्रुक, आंबेगाव मध्ये डोर आगाणे नावे तिरपाळ नानावडे माळुंगे तरफ आंबेगाव पिंपरी अँड तेरुंगे। सिमिलरली केड तालुक्यामध्ये बिवेगाव बोमाळे करपूर। सो रायगड जिल्ह्यामध्ये एकी तालुक मे 12 गाव समावेश आहे, तो त्याच्या गावांचे नाव जांभूळ राजपे तांबारे सिंगडोळ दोत्रे शिलार पात्रज कांडस आंबेपाडा लांतगाव बलिवरे। सो ठाणेमध्ये मुरबाड तालुक्याचे 15 गाव आहे, डोंगरनावे जांभूळ कनिवरे सुकर्ली नारिवली उच्छे देहरी कोपिवली मिले दुधनोली उमरोलीपूर दुर्गापूर मठ रामपूर पाळो। सो मी पूर्वी सांगितली होती या 42 गावापैकी सो ऑलमोस्ट 93.36 स्क्वेअर किलोमीटर वनक्षेत्र आहे, बाकी 8.25 हेक्टर खाजगी क्षेत्र आहे। अँड सो एक गट नंबर भी समावेश आहे, तो जुन्नरमध्ये तो पंगुळ गावात आंबोलीमध्ये खाजगी गट नंबर समावेश नाही, भिवाडे बुद्रुकमध्ये 2 गट नंबर आहे 197 अँड 198, आखीजमध्ये 4 गट नंबर आहे 237 ते 240, भिवाडे बुद्रुकमध्ये कोई खाजगी गट समावेश नाही। तो आंबेगावमध्ये 2 57 58 59 60 आगाण्यामध्ये 17 71 ते 73 नावेडमध्ये खाजगी गट नंबर 27 33 34 41 13 45 टू 47 70 टू 74 106 107 149 150 195 टू 200 204 टू 210। तिरपाळ मध्ये 36 37 38 39 40 नानावडे में 109 टू 117 129 टू 131 137 टू 139 224 टू 233 और 251 टू 261 माळुंगे तरफ आंबेगाव मध्ये 21 टू 27 पिंपरी पिंपरीमध्ये 1 टू 5 101 टू 104 106 टू 121 123 टू 128 और 133 अँड तेरुंगन में 27 टू 30 32 33 36 37 40 टू 40 41 42 45 46 अँड 47 अँड 52। सो सिमिलरली केडमध्ये विवेगाव 32 ते 35 37 38 41 60 61 62 152 143 133 ते 140 बोमाडे में 52 50 ते 52 119 टू 123 125 126 129 149 आणि करपूरमध्ये 278 टू 282 आहे। सो
या गट नंबर या अधिसूचन मध्ये समावेश आहे. सो इसमें बहुत सारा शब्द है, तो कौन सा प्रोहिबिटेड रहेगा, कौन सा परमिटेड रहेगा एंड कौन सा रेगुलेटेड रहेगा, या माइंड स्पेशली मैं तो पूरा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ. स्पेशली इम्पॉर्टेंट चीज रहते हैं हमको कौन सा प्रोहिबिटेड है. एंड प्रोहिबिटेड में तो ज्यादा है, सो ओनली कमर्शियल माइनिंग, स्टोन क्वारी, क्रशिंग यूनिट है वो बंधित है, प्रतिबंधित है. एंड सेकेंड वन इज सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, जल वायु ध्वनि मृदु यांचे प्रदूषण करण्याच्या इंडस्ट्री. देन तीसरी मोठी जल विद्युत प्रकल्प, पर्यावरणास हानी पोहोचणारा उद्योग, सांडपाण्याचा निचार नैसर्गिक पाण्याच्या साठ्या अथवा जमीन करणे, नवीन आराखडे, वीज बत्ती उभारणे, नवीन अतिक्रमण त्यांचे नियमित करणे. मतलब आर्थिक काम प्रयोग यदि या क्षेत्र में प्रोहिबिटेड है. बट इसमें एक और स्पेशल है, ये माइनिंग मीनिंग कमर्शियल माइनिंग स्टोन क्वारी क्रशिंग यूनिट्स में, स्पेशली हमारा आदिवासी पट्टा में कुछ लोग उधर का त्यांच्या घर साठी कुछ का उनका बोनाफाइड लाइवलीहुड साठी कुछ खुदाई कर रहा है, मतलब डिगिंग ऑफ अर्थ कुछ मटेरियल कर रहा है, वो परमिटेड एक्टिविटी है. बोनाफाइड लाइवलीहुड साठी ये अलाउड एक्टिविटी से ये प्रतिबंध नहीं होना. एंड स्पेशली कुछ चीज मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली हमारा आदिवासी पट्टा के लिए कौन सा ये अलाउड है. बहुत सारा लोग का मन में रहते है ये इको सेंसिटिव जोन होने के बाद हमारा खेती को इधर से हमको स्थलांतर करेगा, जमीन कब्जा करेगा, हमको खेती करने के लिए तो अलाउ नहीं करेगा. एंड हमारा वनोपज कलेक्ट करने के लिए तो इन्होंने अलाउ करेगा, इन्होंने प्रतिबंधक करेगा, ऐसा ऐसा है कुछ चीज़ है ना. तो ये 10 पॉइंट में बताना चाहता हूँ, उसमें ये इको सेंसिटिव जोन या काजी गट नंबर, तो हमारे पास दो गट नंबर है, मतलब तो एक रिजर्व फॉरेस्ट में रहते हैं एंड दूसरा काजी का भूमि रहते हैं. फॉरेस्ट में रहते तो वो फॉरेस्ट क्लियरेंस कर रहते हैं, नॉर्मल का क्या क्या प्रोसीजर रहता है, तो सेम प्रोसीजर में चालू रहना है. काजी क्षेत्र में तो त्यांच्या घर बांधणी, शेती करणे, त्यांच्या घरासाठी अर्थात शेतीसाठी रस्ता करणे, सरकारी लाभाची पोल्ट्री करणे, गोटा बांधणे यासाठी प्रतिबंध असणार नाही. केवळ कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज हे प्रोहिबिटेड. सो त्यांच्या बोनाफाइड लाइवलीहुड्स के लिए तो कोणतीही अडचण नाही, कोणतीही प्रतिबंध नाही. देन शेतीसाठी काही क्षेत्रातील छोटी झुडपी तोडणे अँड विहीर खोदाई करणे, विद्युत खांब उभारणे या बंदी नाही. इकोसेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे अभयारण्य आहे का, या ठिकाणी लोकांचे स्थलांतर करणं आहे. मी आता सांगितले होते काहीची लोकांचे स्थलांतर करण्यात येणार नाही. त्यांच्या कोणसा ओनरशिप रहेगा, कोणी का नाम रहेगा, काही तुमचं स्थलांतर नाही आहे. अँड भविष्यात पुन्हा ये प्रश्न तो मी हमलोग तो कोई सभी कुछ लोग से हमलोने ले लिया क्या क्या अडचण आहे, वो प्रश्नाच्या अनुसार हमलोने उत्तर तयार केली. तर भविष्यात पुन्हा इकोसेन्सिटिव्ह झोनचे हद वाढण्याची शक्यता आहे का, सो ये अधिसूचना आहे, फायनल आहे. अनलेस सो या मान्य उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आदेशांचे वाढविण्याची शक्यता नाही. इकोसेन्सिटिव्ह झोनमधील बांधील काळजी गटामध्ये शेती करण्याची सांगितली, पूर्वी सांगितली शेती करण्याची प्रतिबंधन असणार नाही. इकोसेन्सिटिव्ह झोनचे राजपत्र निघालं आहे, ते फायनल नोटिफिकेशन आहे, त्यांची वरती पुन्हा हरकती मागून निर्णय दिला जाणार आहे. सदर नोटिफिकेशन फायनल आहे, यामध्ये उच्च न्यायालयाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशांचा सुधार होणार नाही. ज्या गावामध्ये इकोसेन्सिटिव्ह झोन जाहीर झालेला आहे त्या गावातील बांधावे आता मंजूर करता येणार नाही का, हे प्रक्रिया तर मंजूर करता येणार नाही आहे का. सर्वांचा हे प्रश्न होता आहे, ज्या
क्या प्रदेश है ना आदिवासी पट्टा है आज पीसा और एफआरए बाधित पीसा एरिया है त्याच्या आमचे एफआरए क्लेम्स है आता बंद होणार आहे का असं शक्य आहे त्याच्या कुठलेही तो या नोटिफिकेशन मध्ये असं नहीं नहीं आणि कहीं पे भी उनका त्यांच्या एफआरए का फॉरेस्ट रेंज का और पीसा का आगे का बाधित होणार नाही तो ज्या गावामध्ये इकोसेन्सिटिव्ह झोन जाहीर झालेला आहे त्या गावातील लोकांचा जंगलात जाहीर बंदी असणार आहे का तो आता बंदी होणार नाही तसेच ज्या जंगलात जो दुसऱ्या गावात जाणार आहे हा पायवाटा वापर घेणार आहे त्याचा ठीक आहे उलो यूज कर सकते तो या जंगलाचा मिळणारा वनोपज उदाहरण आहे हिरडा बेडा वावडिंग तसेच पॅनमुळे भाजीपालांना केकड मत तसेच आदिवासी लोकांच्या जीवनावश्यक वापरण्यासाठी लागणारा औषधी वनस्पती वा इतर वस्तू त्यावर बंदी असणार आहे का जे कुठलेही बंदी असणार नाही स्थानिक आदिवासी ग्रामाचं वनोपजन तसेच औषधी वनस्पती गोळा करणे त्या वापर करणे यांचे बंदी असणार नाही वाढलेला लाकूड गोळा करणे जमिनीच्या बंदिस्त करणे यावर बंदी असणार आहे का तो ग्रामस्थांना त्यांच्यावरील जंगलातून त्यांच्या दैनंदिन वापरण्यासाठी वाढलेला लाकूड गोळा करणे त्यांच्या काजवी मालकीच्या जमिनीचे बंदिस्ती करणे यावर बंदी असणार नाही मतलब त्यांच्या आम्हाला नोटिफिकेशन आता असं आहे ऐसा ऐसा त्यांच्या शेतीमध्ये एसएमसी वर्क करणे आहे थोडी ताळे करणे का कुछ दगडी बांध मारने के लिए तो असा काही कधी ये प्रतिबंधन विचार प्रतिबंध होणार नाही आणि दुसरा मे तो एक होटल एंड रिसॉर्ट के बारे में तो एक समावेश है मतलब तो ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मतलब होटल और रिसॉर्ट के लिए तो ये रेगुलेशन एक्चुअली नोटिफिकेशन भी ऐसा मेंशन आए बाउंड्री से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीच्या बाउंड्री से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर नहीं तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ इकोसेन्सिटिव झोन बाउंड्री तक कंप्लीट नवीन कंस्ट्रक्शन नवीन होटल रिसॉर्ट कमर्शियल रिसॉर्ट सभी बंद होना रहे मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है तो प्रोहिबिटेड है बट स्मॉल स्ट्रक्चर रहते हैं ना इको टूरिज्म के लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है ना कुछ टेंट उगाने ऐसा ऐसा रहता है वो अलाउड एक्टिविटीज एंड 1 किलोमीटर का ऊपर के लिए रहते हैं जोनल मास्टर तैयार होने के बाद टूरिज्म मास्टर प्लान उसमें इनको इंकॉर्पोरेट हो जाएगा उसका अनुसार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहते हैं वो उनका परमिशन लेके उधर कर सकते दोस्तों देना देना रहता रेन वाटर हार्वेस्टिंग केंद्रीय शेती पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञान वापरून करण्यात येणारी सर्व कामे ग्रामीण कारागिरांच्या कुटीरोजा इत्यादी अपारंपरिकीय उद्योजक व इंधन वनौषधी वनशेती औषधी वनस्पती विभागाची शेती पर्यावरणवर्तक वाहतूक व्यवस्था चमकबांधणी उद्योग निकृष्ट जमीन वन तसेच आदिवासी पुनर्स्थापना पर्यावरणाची जागृती प्रोत्साहन देणे तो माझा मेजर इश्यूज आहे मतलब की पॉइंट्स आहे तो ये इकोसेन्सिटिव झोन मध्ये 92 ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन है तो रिझर्व फॉरेस्ट आहे अँड ओनली प्रायव्हेट फॉरेस्ट आहे आमच्या सर्व आदिवासी पट्ट्यांचा मी असं सांगतो या गावात 42 गावा समावेश आहे सर्व गाव कंप्लीट सर्व गाव नाही आहे ओनली स्पेसिफिक गट नंबर आहे अँड तुमचा एफआरए तो पीसा अंतर्गत अधिकार आहे कुठेही बाधित होणार नाही एंड एक और मैं बताना चाहता हूँ तो पहले क्या होता था 10 किलोमीटर इकोसेन्सिटिव जोन रहता था मतलब बिफोर नोटिफिकेशन कुछ प्रोजेक्ट में कुछ कहीं भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रहते हैं रोड का रहते हैं हॉस्पिटल का रहते हैं कहीं भी रहते हैं तो कहीं भी ऐसा एक्टिविटीज के लिए तो नॉर्मल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन के अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन जरूरत पड़ता बट नाउ क्या हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोसेन्सिटिव जोन मॉनिटरिंग करण्यासाठी एक समिति स्थापन केलेला आहे त्या समिति का रेकमेंडेशन दे दिया सपोज रोड का काम है कोई तो इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट करना है एंड बाकी का कुछ छोटा मोटा काम रहता है लघु उद्योग का त्याच्या परवानगी हा रेकमेंडेशन मॉनिटरिंग कमिटी देण्यावर। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।